أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون سورة بقرة पहला पारा आयत नंबर चौहत्तर पिछले दर्श में अल्लाह ने यहूद की एक और खबासत को जिक्र फरमाया कि वो उन्होंने एक आदमी को कत्ल किया फिर एक दूसरे पर दावेदारी करते रहे अल्लाह ताला ने ताय जबाह करने की ताकीद फरमाई थी उसमें भी वो लोग समझ बूझ रखने के बाद ले तो कर ले तो लाल करने लगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम जिस चीज को छुपाते हो दीन इस्लाम जो तुम्हारे मूसा सलाम पर नाजिल हुआ है उसके कुछ जुजियात में तहरीफ करते हो पुशीदा करना चाहते हो अल्लाह कुरान और नबी करीम के जरिए उन सारे तहरीफ शुदा की गई बातों को निकाल रहा है वह मुखर जुम्मा कुन तुम तक तुम तुम्हारे छुपाए गए सारे दीन को अल्लाह दोबारा निकाल रहा है और फिर तुम्हें कहा गया कि इस गाय का खून या इसका टुकड़ा इस मुर्दे पर डाल दो और फिर कसमे उठाओ जो मैंने बात कही थी तफसीलन अगर पिछले असबाक तुम्हें याद हैं तो इश्काल नहीं आएगा कसामत की बारे में जो मैंने कहा था कि उनमें भी कसामत थी कि तुम फिर इसका खून मुर्दे को लगाकर या गोश्त का टुकड़ा साथ रखकर उसके साथ कसमे उठाओ कदाले का युमा था अल्लाह ज़िंदों को इस तरह मुर्दों को इस तरह जिंदा करता है इसकी एक तोीह तो ये है जो आम फसरीन ने की है कि गोश्त का टुकड़ा उठा करके मुर्दे को मारो मुर्दा जिंदा हो जाएगा मगर ये बात सही इसलिए भी नहीं है कि उन लोगों को तो पहले से गाय के साथ मोहब्बती और उसको एलाह समझ रहे थे अब अगर गोश्त के टुकड़े के साथ मुर्दा जिंदा हो जाए तो वो तो इसको और चार चांद लगा देंगे और कहेंगे कि देखो गाय में तो कमाल है तो यहां युलामता का माना ये नहीं है कि ये मुर्दा जिंदा हो जाएगा ये कसामत के कानून के तहत अल्लाह ता ने फरमाया था कि गोश्त या खून के चींटे मुर्दे पर लगाकर या वहां रख करके उसके साथ कसमें उठाओ ये खून से और ये करीह मंजर से तुम्हें जरा नफरत आ जाएगी डर महसूस हो जाएगा तो तुम कसम गलत नहीं उठाओगे गुनाह का हल्फ नहीं उठाओगे झूठी कस्में नहीं खाओगे तो जब तुम सच्ची कसमें खाओगे तो कदाल का युमोता अल्लाह ताला मुर्दों को ऐसे जिंदा करता है इससे मुराद किसास है जिस तरह के अल्लाह ताला ने फरमाया वो लकुम वकुम फिलकसा हयातन तुम लोगों के लिए बदला लेने में किसास लेने में ज़िंदगी है यानी अगर एक मुर्दी का कातिल सही तरीके से मालूम हो जाए और उनको कैफर किरदार तक पहुँचा दिया जाए और कत्ल किया जाए तो दीगर तमाम उम्मत जो है उनको जिंदगी नसीब होती है आइंदा कोई आदमी दूसरे को कत्ल नहीं करेगा जिस तरह की पिछले दर्श में मैंने आयात सुना दी थी मोता से वही मुराद हैं यानी खिसास का कानून लागू होकर के लोगों का बच जाना मुराद है ये मुराद नहीं है कि मुर्दा जिंदा हुआ और उसने अपने कातिल का नाम बता दिया और दोबारा मर गया ये तो सबसे ज्यादा सही है जो कर्न करीम ने की है कुरान करीम ने वो कदाल का युतम है जिस तरह के अल्लाह तरमाया वह लकुम फिल के साथ और तुम्हारे लिए सास के अंदर जिंदगी है हयात है यानी जब एक आदमी का सही किसास ले लिया जाए तो परवर्दगारे आलम उसकी बरकत से दीगर लोगों को बचा लेते हैं सूरते ये मायदा की मैंने एक आयत सुना दी थी कतबना अला अलाबनी इसराइला अन्हुमन कतला नफसम बिग़ेरे नफसन और फसादिन في الارض فكأنما قتلا الناس جميعا و من أحيها فكأنما أحيى الناس جميع ये सूरत मायदा की बत्तीस नंबर आयत है इसमें हमने यही बताया था कि अल्लाह ताला ने बनी इसल के अंदर के कैसास का कानून लागू किया था जिसके लागू करने से हजारों लोग जिंदा हो जाते हैं यानी मौत से बच जाते हैं तो यहां कैसास लेना मुराद है अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने तो तुम लोगों को कसामत का एक ऐसा तरीका दे दिया जिसके जरिए तुम झूठे कसमों से बच करके लोगों को जिंदगी बख्शोगे मगर तुम लोगों ने वहां भी झूठी कस्में खाई और कातिल को तुमने छुपाए रखा सुम्मा कसत कलूब अल्लाह फरमाते हैं इस बात के बाद जब तुम लोगों ने गाय के जबा करने में भी झूठ मूठ और चाल वाल से काम लिया और फिर मुर्दा मकतूल के कसामत के अंदर भी तुम लोगों ने कसास का कानून सही तरीके से लागू नहीं किया बल्कि झूठे कस्मे उठा करके तुम्हारे दिल मजीद सख्त हो गए तुम मकसद क्लूब कुम तुम्हारे दिल सख्त हो गए बाद इन वाकयात के बाद ऐसा सब कुछ हो न हो चुकने के बाद भी तुम्हारे दिल सख्त हो गए फही अकल जा रहे थे तो ये तुम्हारे दिल पत्थरों की तरह थे बस तुम्हारे दिल पत्थरों की तरह हैं और अशद्द कसवा ऐसी भी ज्यादा सख्त अल्लाह ताला ने ये कोई ऐसा केनाया नाया इश्ते नहीं ये हकीकत अल्लाह बताई है इसलिए कि पत्थर जितना भी सख्त होता है अपने सख्त होने के बावजूद वो अपने सलाहियतों को फरामोश नहीं करता वो अपनी सलाहियतों से महरूम नहीं होता अगरचे पत्थर सख्त होता है मगर बनी इसराइल ने देखा कि जिस जिन पत्थरों के अंदर अल्लाह ताला ने पानी निकालने की सलाहियत रखी थी तो मुसाला सला सलाम ने जब अपनी लाठी से उस पत्थर को मारा तो उससे बारह चश्मे निकल गए बावजूद इसके के पत्थर सख्त था मगर अपनी सलाहियत उसने दिखा दी सलाहियत को सलाहियत से महरूम नहीं था मगर इंसान जब पत्थर दिल हो जाता है तो वो अपनी इंसानियत वाले सलाहियतों से महरूम हो जाता है इसलिए इंसान को पत्थर से ज्यादा सख्त कहा तो अल्लाह ताला आगे बताता है और इन लोगों ने ये सब कुछ देखा हुआ था वह इन हिजारा इसलिए कि बाज पत्थर ऐसे होते हैं लमायत फज्जर जिससे फूट कर निकल बिन हो उससे निकलते हैं अल अनहारो नहरें व इन निन हजारा और यकीन बाज पत्थर बावजूद इसके कि वो सख्त होते हैं मगर उनके मसामात के अंदर जब अल्लाह ताला ने पानी की सलाहियत रखी होती है तो सख्ती की वजह से वो सलाहियत खराब नहीं होती लमह या तफज्जर वो अनहार लमा कुछ वो पत्थर हैं या तफजर हो जिससे फूट निकलते हैं अल अनहारो नहरे वह मिन इन मिनह और यकीन इन पत्थरों में से बाज लमा वो हैं यशक को जो फट जाते हैं फैकरो जो मिन हो मा और उससे पानी निकलता है एक ऐसा पत्थर है जिससे नहरें निकलती हैं ज्यादा पानी देने की सलाहियत उसमें अल्लाह ने रखी होती है तो बावजूद पत्थर होने के पानी है और पूटता है उससे वह इनहा लमा या शक्र होल मा और कुछ पत्थर वो होते हैं जिससे थोड़ा पानी निकलता है वह इन मिन यकी बाज इन पत्थरों में से लमा वो, है है। वो हैं या बे तो जो गिर पड़ते हैं मिनखशियत अल्लाह की डर की वजह से वो अपनी जगह को छोड़ करके लड़कड़ा जाते हैं यानी मकसद यह है कि बावजूद इसके कि वो हैं पत्थर मगर उनके अंदर वो जो सलाहियत अल्लाह ने रखी है वो होती है उससे करामत भी करती है मगर इंसान को इसलिए पत्थर से ज्यादा सख्त कहा कि इसका दिल जब बिगड़ जाता है तो फिर उसके अंदर जो इंसानियत की सलाहियतें होती हैं वो सारी खराब हो जाती हैं तो पत्थर से ज्यादा सख्त हो गया अल्लाह गाफिल नहीं है अम्मा उन आमाल से तामलून जो तुम करते हो अल्लाह फरमाते हैं तुम जो आमाल करते हो उससे मैं गाफिल नहीं हूं सब कुछ मुझे मालूम है अब आगे मुसलमानों को एक तसली भी देते हैं और यहूद और नशवारा के एक धोखे से भी इनको बचाने की कोशिश करते हैं इसलिए कि यहूद कभी कभी जिस तरह की सू आयत नंबर आठ और नौ में गुजरा है कि जब वो मुसलमानों के मजलसों में आते थे तो कहते थे कालू आमन्ना लेकिन और जब वहां चले जाते थे तो वो कहते थे हम मुसलमानों को धोखा देते हैं ऐमान थोड़ा ही लाए हैं हम तो अब अल्लाह ताला फरमाते हैं रब नबी करीम और साहबाई के राम मुसलमानों को कि तुम लोग आजुरद खातिर ना हो जाइयो ये मत करना कि तुम लोग ये सोचो कि भाई ये लोग क्यों मुसलमान नहीं होते हैं यार ये इन दिल को तसली रखो ये बड़े चालबाज और बड़े फराडिया लोग हैं इन्होंने पहले से जमानों में ऐसा ही किया हुआ है इनकी आदत है तुम्हें अपने आप में परेशान नहीं होना चाहिए अब मुसलमानों को तसल्ली भी देते हैं और इनकी खबासत से भी आगाह करते हैं तो अल्लाह फरमाते हैं अफतत मूना आया तुम तमा रखते हो आम कि ये यहूद तुम्हारी ऊपर एतमाद कर लेंगे ये ईमान ले आएंगे तुम्हारा ये ख्याल है कि ये कुरान सुनकर रसूल वसल्लम की दर्द मंदाना बातें सुनकर ये मुसलमान हो जाएंगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वह कद काना हाल ये है कि इनमें से एक ग्रोह था कद काना फरीकुन फरीकन मिनहुम हाल ये है कि इनमें से एक ग्रोह था कलाम अल्लाह जो सुन लेते थे अल्लाह के कलाम को सुन लिया करते थे अल्लाह के कलाम को सुमाय फिर उसमें तहरीफ किया करते थे बादे मा अकलूह। बाद इसके के समझ लेते थे उसको वहम या लमून वो जानते थे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो खूब समझ लेने के बाद तहरीफ करने वाले थे यानी इनके आबा व अजदाद ऐसे गुजरे हैं आसारबा तो जहारो फिल अबना बापों की निशानियां और आलामतें तो बेटों में हुआ करती हैं अल्लाह फरमाते हैं वो अल्लाह का कलाम सुन लेते थे पर उसके अंदर खूब समझने के बाद तहरीफ करते थे यह नहीं कि वो उनको समझ नहीं थी यो हर रिफोना हर रफा यो हर रफो तहरीफ कहते हैं किसी बात और किसी लफ्स को अपने रुख से हटाकर एक गलत रुख में इस्तेमाल करना और गलत सिमत पे डाल देना इसको तहरीफ कहते हैं इसकी कई तरीके हैं एक तरीका यह है कि एक आदमी अल्फाज को ऐसे तरीके से अदा करे जिसमें माना बिगड़ जाए जिस तरह के रायना को ये लोग रायना कहते थे अब लफ्ज़ वही था लेकिन थोड़ा सा उसमें सख्ती करके लफ्ज़ के रुख को तब्दील करते थे रायना इसी तरह आजकल के जमाने में जजाक अल्लाह का लफ्ज़ है अगर कोई कहे जजाक ला या पर थोड़ी सी तशदीद दे दे तो इसका माना होता है अल्लाह तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दे अब यह रुख को तब्दील करना है सामने वाला समझता है कि यह तो मुझे दुआ दे रहा है इसी तरह सलाम ये अब अगर कोई कहता सामायक हम मतलब यह है कि तुम्हारी ऊपर शाम की बीमारी हो अब यह बद है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यह सारे तरीके ये लोग इख्तियार करते थे हर तरीके से मगर समझने के बाद अगर कोई ऐसा करता है तो ये तहरीफ कहलाता है और आजकल कुरान के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है तो अल्लाह फरमाते हैं कि वो समझ बूझने के बाद तहरीफ करते थे अल्लाह के कलाम में वह इजालाकुल्लना आमनु और जब इनकी मुलाकात हो जाती थी ईमान वालों के साथ वह एजालकुल्ल जब ये लोग मुलाकात करते हैं आमने सामने हो जाते हैं अल्लादीना उन लोगों के साथ आमनु जो ईमान लाए खालू तो ये बबांगे दोहल चीख मारते हैं आमन्ना हम भी ईमान तो लाए हैं शुक्र है हम भी मुसलमान हैं अब वो दिल दिल में या ये मुराद लेता है कि अपने मुसाला सलाम की किताब और सहीफ़ों पर मैं ईमान लाया हूं यहां मुसलमानों को धोखा देते हैं या ये आमन्ना के लफ्ज से यही मुसलमानों की किताब पर ईमान लाने से इनको धोखा देते हैं लेकिन अल्लाह फरमाते हैं वैजा खला बाम और जब ये चले जात, जब इनके ये बाज चले जाते हैं एलाबाज इन अपने बड़ों के सामने ऐजा खला जब ये अकेले हो जाते हैं वैजा खला बाजो जब इनके ये बाज जो जिन्होंने ईमान का दावा मुसलमानों के सामने किया ये जब अकेले हो रह जाते हैं एलाबाज इन अपने बड़ों के सामने खालू तो वो इनसे कहते हैं हम क्या तुम मुसलमानों को बता रहे हो बेमा वो बातें फतेहल्लाई अलैकुम जो अल्लाह ताला ने तुम्हारी ऊपर खोल दी हैं ले कुम ताकि ये तुम्हारे साथ झगड़ा करें ये तुम्हारे साथ हुज्जत लगा लें बिही उन बातों के जरिए इंद रब कुम तुम्हारे रब के सामने यानी ये यहूद के बाज छोटे जब मुसलमानों को धोखा देने के लिए आ जाते थे तो मुसलमानों से कहते कि भाई हम भी ईमान लाए हैं हमारे तौरात के अंदर तुम्हारे मोहम्मद मुस्तफ़ा का भी ज़िक्र आया है अब मोहम्मद की बारे में हमारी किताबों में भी आया है हम कैसे नहीं मानेंगे तुम्हारे पैगंबर को तो जब ये चले जाते थे अपने बड़ों के सामने और वहाँ अपने छेले उनको बताते थे कि भाई फलान तो मुसलमानों के पास गया था और उसने वहां कहा कि हमारे तौरात में भी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया है कि आखिरी जमाने में एक पैगंबर आएगा लिहाजा हम भी मुसलमान हैं तो ये जब चले जाते थे तो इनके बड़े इनको घूरते थे और इनको डांटते थे अब तो हदसू नो बेमा फतम इनसे कहते थे कि ए बेवकूफ़ हो जो कुछ अल्लाह ताला ने तुम्हें अपनी किताब तवरात में बता दिया है कि आखिरी नबी आएगा मोहम्मद और अहमद उसका नाम होगा तुमने उन पर ईमान लाना है ये पुशीदा बातें अल्लाह ने हमें तवरात में बताई हैं हम मुसलमानों को ये नहीं बताते और तुम ये खुफिया बातें उनसे जाकर बताते हो ले हाँ कुम भी है इंदा रब ये कल को अल्लाह के जब सामने आएंगे तो अल्लाह के सामने तुम्हारे साथ झगड़ा करेंगे और तुम्हारी ऊपर गवाही करेंगे कि तुम्हें पता था कि रसूलुल्लाह आखिरी जमाने के नबी हैं तुमने मुझे खुद नहीं कहा था कि हमारी किताबों में आया है ये समझ रहे थे कि हम अल्लाह के सामने कह देंगे कि भाई हमें तो कोई पता नहीं था हमारी किताबों में थी ऐसी कोई बात हमने समझी ही नहीं थी तो अगर मुसलमानों को पता लग जाए तो वह हमारे ऊपर गवाह बन जाएंगे तो वो कहते थे फलाता खिलून क्या तुम आकल से काम नहीं लेते तुम जानते नहीं हो कि अपनी पुशीदा बातें मुसलमानों से जाकर इफ्शा करते हो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये कितने बड़े बेवकूफ हैं क्या इनको ये ख्याल और ये यकीन नहीं है कि अगर ये मुसलमानों से जाकर ये खुफिया बातें नहीं बताएंगे तो क्या अल्लाह को इलम नहीं होगा अल्लाह को तो सब कुछ पता है <laughs> तो अल्लाह फरमाते हैं अवला लमूना आया ये लोग नहीं समझते अन्नल्लाह की यकीन यामो जानता है माँ वो बातें यू सिर रूना जो ल, जो, जो ये लोग छुपाते हैं वो माँ और उन बातों को भी या जो जो ये लोग जाहिर करते हैं अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारा मुसलमानों के सामने इकरार करना और न करना बराबर है मुझे तो तुम्हारे सब कुछ का पता है तुम जो कुछ छुपाते हो वो भी मुझे मालूम जो कुछ तुम शिकारा करते हो वो भी मुझे मालूम तो उनके सामने इकरार करने और ना करने से क्या फ़र्क पड़ता है जाहे लो तुम्हें इतना भी पता नहीं कि अल्लाह को सब कुछ मालूम है तो अल्लाह ने उनकी खबासतों को यहां तक हमारे समझ में डाल दिया कि यहूद इतने खराब लोग हैं मगर आज का मुसलमान इन खराबियों में यहूद सी भी आगे निकला है इस के कलाम के अंदर मुसलमान लोग अपना चेहरा नहीं देखते इस कलाम को यहूद का चेहरा तो इसमें देखते हैं ईसाइयों का चेहरा तो इसमें देखते हैं कुरान करीम आईने में अपने मुखालिफिन के चेहरे तो थकते हैं मगर अपना चेहरा इसमें कोई नहीं थकता अपना चेहरा इसमें कोई नहीं ढूंढता अगर लोग अपना चेहरा इस अल्लाह के कलाम में देख लें तो जितनी खामियां यहूदियों के अंदर थी जितने फ्रॉड वो करते थे जितना खेदाब और धोखा अल्लाह के साथ वो करने की कोशिश करते थे जिस तरह उनका अल्लाह के ऊपर उनकी बदगुमानी थी कि अगर हम ना बता दें तो अल्लाह को पता नहीं चलता आज का मुसलमान भी इस घमंड में है और इस धोखे के अंदर पड़ा हुआ है कि वो समझ रहा है कि मुझे कोई न देख रहा है न मुझे कोई सुन रहा है अगर आज का मुसलमान अल्लाह ताला को सुनने और देखने और आलम रखने वाला जानते समझते तो मेरे ख्याल में मुसलमान इतना आजाद ना होता तो मेरे ख्याल के अंदर मुसलमान सिर्फ रोजा नमाज और हज के जरिए से अल्लाह को धोखा ना देने की कोशिश करता आज का मुसलमान अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करता है चंद इबादात को बजा लाकर अल्लाह ताला से जन्नत भी मांगता है और खुद को बड़े मुसलमान होने का दावा भी रखते हैं तो मेरे ख्याल में आज का मुसलमान यहूदियों से इन खामियों में बहुत आगे निकल चुका है में क़ुर को समझने और इसमें अपना चेहरा दे, देखने की तोफ़ी कता फ़रमाए लफजी तर्जमा देखें दोबारा अल्लाह <coughs> फरमाते हैं सुम कसत पिर सख्त हो गए क्लूब कुम तुम्हारे दिल मम्बादाल इन वाक़ात के बाद फहिया बस तुम्हारे दिल हैं कल हजारत पत्थरों की तरह फही पस तुम्हारे दिल कल हजारत पत्थर की तरह हैं औ अशद कसवतन या इससे भी सख्ती में सख्त औ अशद या इससे भी ज्यादा कसवतन सख्ती में व इन नल हजारते इसलिए कि यकीनन बाज पत्थर लमा वो होते हैं या तफज्जर विन हो जिससे फूट निकलते हैं अल अलहारो नहरें व इन अमिनह यकीन बाज़ पतर इनमें से लमा वो हैं या शक् को जो फट जाते हैं फ़रो जो मिन हो पस निकल जाते हैं उससे ओ पानी वह इन नहा और यकीन बाज़ इनमें से लमा वो हैं यह बे तो जो गिर पड़ते हैं मिनखशियत अल्लाह की डर से वह बेगा और नहीं है अल्लाह बेखबर आमा उन आमाल से ता जो तुम करते हो अफतत मूना आया तुम तमा रखते हो अं मिनोल कि ये यहूद ईमान ले आएँगे तुम्हारे लिए वान फरीकुन और यकीन एक ग्रोह था मिन हम इनमें से यशमा कलाम अल्लाह जो सुना करता था अल्लाह के कलाम को सुमयुहर्रिफू नू फिर उसमें तहरीफ करता था मिमबाद माकलू बाद इसके के उसको समझ जाते थे समझ जाने के बाद तारीफ करते थे खूब पता होता था कि माना मकसद ये है मगर दूसरा निकालते थे अपने फायदे के लिए जिस तरह के आज कल मुसलमान अपने मसलकों और अपने फायदों के लिए कुरान के मानों में मुख्तलफ किस्म की तावीलत करते हैं जो हर रिफू फिर उसमें तहरीफ करते थे बाद कलू हो समझ जाने के बाद वह हम या लमून और वो खूब जानते थे वह एजा लकुल्लना आमनु और जब आमने सामने हो जाते थे मोमिनों के साथ खालू तो कहते थे आमन्ना हम ईमान ले आए वह एजा खला बाजु हम जब अकेले हो जाते थे इनके बाज एलाबाज इन अपने बड़ों के सामने या जब खलाबाज हम इन जब चले जाते थे इनके बाज अपने बड़ों के सामने कालू तो वो इनसे कहते थे अतोहदिस ना हम क्या तुम मुसलमानों को इत्तला दे रहे हो बेमा उन बातों की फतेहल्ला जिन बातों को अल्लाह ने तुम्हारी ऊपर खोला है ले हाजू ताकि वो तुम्हारे साथ झगड़ा करें हजतबबाजी करें बेही उन पशीदा बातों के जरिए रब अल्लाह के सामने अफलाता खिलून क्या तुम नहीं जानते तो अब अल्लाह कहते हैं अवलामू कि ये क्या ये लोग नहीं समझते आमो की यकीनन अल्लाह समझता है माँ उन बातों को युसूना जिन बातों को ये लोग छुपाते हैं व माँ और उन बातों को योनू जो ये लोग उसको जाहिर करते हैं अल्लाह को सबका आलम है

अल्लाह मुसलमानों को कुरान और सुन्नत में से बग़ैर मिलावट की जो मफहूम है वो मुसलमानों की समझ में डाल दे और मुसलमान इस कलाम के ज़रिए से वो क़वत और इतिहाद हासिल करे जो सहाबा के दौर में हासिल था वल्ल्ल्ल्ल्ल तैर खल मोहम्मद